दोस्तों अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं या बनना चाहते हैं तो आज का जो ये वीडियो है वो ना केवल आपका सम्मान बढ़ाएगी बल्कि आपके कंपनी में जो भी इशूज़ की वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो चुटकियों में सॉल्व कर देगी तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी और अगर आप ये नॉलेज अपने पास रखते हैं तो ये आपका पावर बनेगी तो दोस्तों चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और बिना समय कमाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के एम सी क्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हम लोग 25 फाइव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ और इसका जो आंसर है दोस्तों वो स्क्रीन पर आपको नहीं दिखे, दिखेगा वो मैं आपको डिटेक्ट करते रहूँगा बताता रहूँगा तो ध्यान से सुनिएगा और जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा उसी क्वेश्चन पर आप रहिएगा क्या होता है कि दोस्तों जब स्क्रीन पे मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं तो हमारी ध्यान दूसरे क्वेश्चन पे चली जाती है तो क्या होता है इसके वजह से हम लोग आंसर भूल जाते हैं इसलिए जो मैं बोलूँगा आप उसी क्वेश्चन पर रहिएगा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाऊँगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइएगा तभी आपको ये याद रहिए रहेगा ठीक है तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और एक नंबर से स्टार्ट करते हैं ठीक है हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक आंसर सही है तो आपको आप अगर गैस कर पाएंगे तो गैस कीजिएगा और अगर गैस नहीं कर पाएंगे तो मैं आंसर करूँगा उसे याद रखिएगा ठीक है जो आपको बहुत हेल्प करेगी तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट द पर्सन हु हैज़ द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री हिंट भी दिया हुआ है सेक्शन टू एन ठीक है तो इसमें ऑप्शन है ए मैनेजर बी डायरेक्टर सी ओनर डी ऑक्यूपायर इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑक्यूपायर है जो ऑप्शन डी में है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट एन एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड डैश ईयर ऑफ एज हिंट के लिए सेक्शन टू ए लिखा हुआ है ठीक है क्योंकि ये जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ ये इसका आंसर जो है सेक्शन टू ए में आपको मिलेगा फैक्ट्रीज एक्ट का ठीक है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए फिफ्टीन बी सिक्सटींथ सी सेवनटीन्थ डी एटींथ एंड द राइट आंसर इज एटीन ऑप्शन डी थर्ड क्वेश्चन अ फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड विच अमंग द फॉलोइंग एज पर फैक्ट्रीज एक्ट इनमें से क्या है जो फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आता है दोस्तों इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था फैक्ट्रीज एक्ट के एक्ट के ऊपर ही जिसमें आपको ये मैंने अच्छे से बताया है अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा उसे उसे जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा आंसर इस इन इन क्वेश्चन में से उसका आंसर मिलेगा आपको ठीक है तो आप एक बार वीडियो इसके बाद वो देख सकते हैं उसे आपको हेल्प मिलेगा सो so, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट ऑप्शन है माइंस एंड मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन सेकेंड ऑप्शन है अ होटल रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेस सी अ रेलवे रनिंग सेड डी ऑल ऑफ द अबव सो so आंसर क्या होना चाहिए आंसर दोस्तों इसमें होगा ऑल ऑफ द अबब ठीक है क्योंकि ये जो आपको ऑप्शन ए बी और सी में लिखे हैं ये फैक्ट्रीज एक्ट में नहीं आते हैं ठीक है ये आपको इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको मिल जाएगा सो फोर्थ क्वेश्चन द फैक्ट्री एक्ट इम्पोजेज द फॉलोइंग ऑब्लिकेशन अपॉन द एम्प्लॉयर इन रिगार्ड टू हिज वर्कर सेक्शन सेवन ए सेक्शन सेवन ए में लिखा हुआ है सो फर्स्ट ऑप्शन हेल्थ सेकेंड सेफ्टी सी वेलफेयर एंड डी ऑल ऑफ द अबव सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव फिफ्थ क्वेश्चन सेक्शन टू के ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट सेज अबाउट डेस्ट सेक्शन टू के में क्या लिखा हुआ है सो ऑप्शन ए वर्कर ऑप्शन बी फैक्ट्री सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डी ऑक्यूपायर सो आंसर इज सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स section 2a of the factories act defines the term das. option a, child. b, adolescent. c, adult. d, factory. so the answer is option c, adult. question number 7, according to the definition of week under the act, it is period of 7 days beginning at midnight of option a, monday. option b, sunday. option c, saturday. option d, friday. so the answer is मंडे ऑप्शन ए ध्यान से सुनिए दोस्तों हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला है क्वेश्चन नंबर एट सेक्शन टू एन सेक्शन टू एन अंडर द एक्ट डिफाइंस व्हाट ऑप्शन ए मैनेजर बी ओनर सी ऑक्यूपायर डी डायरेक्टर सो आंसर इज ऑक्यूपायर ऑप्शन सी नाइन्थ एज पर द एक्ट द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम सुड बी क्लींड वंस एवरी डैस हर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्क रूम लिखा हुआ है और वो वहाँ भी यही लिखा हुआ है सो ऑप्शंस आर ए डे बी वीक सी मंथ डी बाई वीकली सो द आंसर इज एवरी वीक विच इज ऑप्शन बी टेंथ नंबर क्वेश्चन इफ एनी एम्प्लॉय फाउंड वायलेटिंग द सेक्शन ट्वेंटी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट सेल बी फाइन अप टू अगर कोई भी वर्कर या एम्प्लॉई हो जो सेक्शन ट्वेंटी को वायलेट करता है यानी तोड़ता है तो उस पर कितने रुपए का फाइन लगता है तो ऑप्शन सर ए फाइव बी फाइव हंड्रेड सी फिफ्टीन डी हंड्रेड इसमें आप गेस कर सकते हैं दोस्तों सो द आंसर इज ऑप्शन ए फाइव ओके आपने सोचा भी नहीं होगा कि पाँच रुपये का फाइन लगता है बट यस पाँच रुपये का फाइन क्वेश्चन नंबर इलेवन द पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स इज डिस्क अंडर Dash of the Factories Act 1948. Option A, section 12. Option B, section 9. Option C, section 10. Option D, section 11. So the answer is section 9 and answer B. 12th question The primary purpose of employee safety program is to preserve the employees' dash. Option A, mental health. B, physical health. C, emotional health. D, all of the above. So the answer is. ऑल ऑफ द अबव डी थर्टीन क्वेश्चन द रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेन्टेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी इज विथ डैस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो ऑप्शन आर एम्प्लॉयर्स बी गवर्नमेंट सी एम्प्लॉयज डी ऑल ऑफ द अबव सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना केवल एम्प्लॉयर गवर्नमेंट यहाँ तक कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका भी ये काम है सो फोर्टीन क्वेश्चन द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इसका इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है दोस्तों जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं सो द आंसर इज ऑप्शन डी एटीन एटी वन ओके फिफ्टींथ क्वेश्चन द एप्लीकेंट और ऑक्यूपायर हु प्रपोज टू स्टार्ट द फैक्ट्री शुड सबमिट द ऑप्शन ए फॉर्म नंबर टू ए ऑप्शन बी फॉर्म नंबर वन ऑप्शन सी फॉर्म नंबर टू ऑप्शन डी फॉर्म नंबर वन ए सो द आंसर इज फॉर्म नंबर टू ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन द स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फोर्टी एट सुड बी डैश क्यूबिक मीटर्स ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आपको ये याद भी रखना होगा कि हर वर्कर के लिए कितना स्पेस सफिशियंट है जहाँ वो काम करता हो ठीक है सो ऑप्शंस आर ए थर्टीन पॉइंट टू बी नाइन पॉइंट नाइन सी फोर्टीन पॉइंट टू डी टेन पॉइंट टू सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फोर्टीन पॉइंट टू द प्रोविजन फॉर कूलिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर शुड बी मेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन इफ एम्प्लॉयज़ आर डेस् और मोर एम्प्लॉयज़ ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि कूलिंग वाटर का अरेंजमेंट कब होना चाहिए और कितने लोगों पर होना चाहिए ठीक है कब यानी कहने का मतलब है कि जो गर्मी आती है उस समय ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है हमेशा तो नहीं पड़ती है तो उसका कुछ पीरियड होता है तीन महीने चार महीने का हर कंपनी में तो उस पीरियड में आप उस कंपनी को ठंडे पानी का अरेंजमेंट वहाँ पर देना है ये प्रोविज़न है तो वो कितने वर्कर पर एक अरेंजमेंट होना चाहिए ठीक है सो ऑप्शंस आर ए टू फिफ्टी बी फाइव हंड्रेड सी थ्री थ्री हंड्रेड एंड डी टू हंड्रेड सो आंसर इज़ टू फिफ्टी ऑप्शन ए अगर दो सौ पचास वर्कर्स हैं तो वहाँ पर आपको एक कोलिंग अरेंजमेंट रखना है ठीक है वो फ्रीज हो सकता है एटीनथ हु इज एन एडोलेसेंट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट एडोलेसेंट कौन है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट ऑप्शन ए who is less than 18 years option b who has completed 17 years of his age c who has completed 15 years but less than 18 years and the last option who has completed 18 years of his age so correct correct answer is option c who has completed 15 years but less than 18 years 19th question which of the following is not a welfare provision under factories act 1948 option a drinking water b first aid सी कैंटीन डी क्रिचिस सो द आंसर इज ड्रिंकिंग वाटर ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डिस्कसेस अबाउट डेस ए ड्रिंकिंग वाटर बी स्पिटूंस सी लाइटिंग डी यूरिनल्स सो द आंसर ऑफ ट्वेंटी इज ऑप्शन बी स्पीटून्स जिसको हम लोग लो थोकदानी भी कहते हैं सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी में स्पूटेंट्स के बारे में लिखा हुआ है तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फर्स्ट एड बॉक्सेस इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर डैश ऑफ पर्सन फर्स्ट एड बॉक्सेस जो है वो कितने लोगों पर एक होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है ऑप्शन नंबर ए टू फिफ्टी बी टू हंड्रेड सी वन डी वन फिफ्टी सो द आंसर इज वन फिफ्टी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू सेफ्टी ऑफिसर्स आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेजिंग डैश और मोर एम्प्लॉयज ये कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सेफ्टी प्रोफेशनल कितने वर्कर्स या एम्प्लॉय पर हमें रखना है ठीक है तो इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन ए फाइव हंड्रेड बी टू सी वन डी टू फिफ्टी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थाउजेंड हर थाउजेंड पर एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए ट्वेंटी क्वेश्चन कैंटीन इज़ टू बी प्रोवाइडेड इफ इंगेजिंग एम्प्लॉयज मोर देन डैश पर्सन कैंटीन आपको कितने एम्प्लॉयज़ पर प्रोवाइड करवाना है ऑप्शन ए 500 बी 200 सी 250 फिफ्टी डी थाउजेंड सो द करेक्ट आंसर इज 250 फिफ्टी दो सौ पचास एम्प्लॉयज हैं तो वहाँ कैंटीन देना है ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन द एम्बुलेंस रूम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ इंगेजिंग एम्प्लॉयज़ मोर देन ऑप्शन ए थाउजेंड बी फाइव हंड्रेड सी टू फिफ्टी डी टू हंड्रेड एम्बुलेंस रूम कहने का मतलब है फर्स्ट एड रूम या हॉस्पिटल्स जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स कंपनी के अंदर होते हैं उसके बारे में बात हो रही है बड़े हॉस्पिटल्स नहीं जहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह लिया जा सकता हो ठीक है सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का आंसर है फाइव हंड्रेड ऑप्शन बी पाँच पाँच सौ अगर लोग हैं एम्प्लॉई हैं तो वहाँ आपको एक एम्बुलेंस रूम देना है जहाँ पर डॉक्टर वगैरह बैठते हो एम्बुलेंस हो बेसिक जो कंपनी में रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए एंड लास्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी फिफ्थ सेक्शन डैश ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द राइट्स ऑफ द वर्कर्स कौन सा सेक्शन वर्कर्स के राइट्स को डिस्क्राइब करता है ऑप्शन ए वन वन जीरो ऑप्शन बी ट्रिपल वन ए सी ट्रिपल वन डी वन वन टू सो द करेक्ट आंसर इज ट्रिपल वन तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा हर क्वेश्चन याद करने वाला है अगर फैक्ट्रीज एक्ट पे आपकी पकड़ ज़्यादा होगी जितनी पकड़ होगी उतने ही आपकी सेफ्टी में भी पकड़ होगी और कंपनी में आपका उतना ही इज्जत होगा ठीक है इसलिए आपको फैक्ट्रीज़ एक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं स्पेशली तब ठीक है अगर आपको मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ घंटी को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो है वो आपको सीधे मोबाइल पर मिल जाए ठीक है तो दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि इसमें अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें लोग कहाँ फंसते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब चाइल्ड एडोलेसेंट यंग का डेफिनेशन एक साथ में कोई पूछ देता है तो आपको वहाँ पर बहुत ध्यान देना है ठीक है उसके बाद जब हमें कोई नंबर पूछता है जैसे कैंटीन कितने नंबर पर होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स कितने नंबर पर होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर कितने नंबर पर होना चाहिए तो देखिए सब में अलग अलग नंबर है तो आपको अलग अलग ये जित नंबर वाले जो चीज़ें आपको इकट्ठे एक, एक जगह रख के याद रखना होगा ठीक है इसके अलावा सेक्शंस सेक्शंस की पकड़ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही आपके लिए ईजी होगा हर कुछ ठीक है तो इस पर पकड़ बनाए सेक्शंस पे रूल्स पे तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा ठीक है इसके बाद मैं और भी एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगा, जो कि आपको हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग